हे गाइस, फाइनली एक और यूनिक कॉन्सेप्ट की वीडियो आपके सामने लेके आ चुका हूँ। बहुत सारे यूट्यूबर ये चीज़ बताते नहीं है आपको, जो मैं आज बताने वाला हूँ। तो गाइस, एक लाइक तो बनता है। क्या बताने वाला हूँ और क्यों बताने वाला हूँ, सारी चीज़ें आपको बताऊंगा। वैसे अगर आप चैनल पर आई गए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को ऑल कर दो, साथ में आप हमारे टेकपॉक चैनल को भी टेलीग्राम पर ज्वाइन कर सकते हो, जहाँ पर हम बहुत ही अच्छी अच्छी रील डालते रहते हैं। लो प्राइस लिंक आपको बेस्ट प्रोडक्ट पर मिलती रहती है, सबकी बेस्ट लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, जाके आप ग्रैब कर लेना, ठीक है। वैसे फिलहाल यहाँ पर ये नहीं बताने वाला हूँ, अंडर 2000, 3000, 4000 रुपीज़ के प्राइस ब्रैकेट में बहुत सारी वीडियोस पड़ी हुई हैं, ऑलरेडी हमारे चैनल पर ही पड़ी हुई हैं। बट यहाँ पर मैं आपको बताऊंगा आपके रिस्ट के लिए, मतलब आपको स्मॉल डिस्प्ले वाली वॉच लेनी चाहिए या उससे बड़ी डिस्प्ले वाली वॉच लेनी चाहिए, सबसे बड़ी डिस्प्ले वाली वॉच लेनी चाहिए, कितने इंच तक की डिस्प्ले वाली वॉच आपके रिस्ट पे बेटर लग सकती है। और बहुत सारे जो यंगस्टर्स होते हैं वो कन्फ्यूज होते हैं कि मतलब सीधे मैं 2 इंचेस की डिस्प्ले वाली वॉच ले लूँ, सीधे मैं 1.3 इंचेस की डिस्प्ले वाली वॉच लूँ, या सीधे मैं 1.7 इंचेस की डिस्प्ले वाली वॉच लूँ, चाहे मैं राउंड डायल की बात करूँ तो 1.3 लूँ या 1.35 लूँ, या कौन सी मतलब डिस्प्ले साइज बेटर रहेगा मेरे रिस्ट के लिए, तो वो किसी को नहीं पता और लोग जल्दबाजी में ले लेते हैं। बट यहां पे आज हम बताएंगे किस रिस्ट पे किस साइज की स्मार्ट वॉच बेटर होती है, या कह सकते हो आप कौन से साइज की स्मार्ट वॉच आपको लेनी चाहिए, ठीक है। तो यहां पे सबसे पहले जो मतलब अभी इनिशियल बेसिस पे किसी वॉच को बाय करना चाहते हैं, मतलब अभी उन्होंने कोई भी वॉच नहीं ली है इन मार्केट, अभी उन्होंने एक्सपीरियंस ही नहीं किया स्मार्ट वॉच को, तो यहाँ पे मैं आपको क्लियरली बता दूँ एक स्मार्ट वॉच और ये जो वॉचेज़ हैं थोड़ा सा डिफरेंस होता है। ये स्मार्ट वॉच से थोड़ा सा कम है और फिटनेस बैंड से थोड़ा सा आगे निकल जाती है वॉच, ये कह सकते हो आप, क्योंकि स्मार्ट वॉच प्रॉपर एक एंड्रॉयड वियर होती है। मतलब जैसे कि सैमसंग की वॉच है मेरे पास, तो सैमसंग की वॉच एंड्रॉयड वियर होती है प्रॉपरली, तो वो होती है। और या तो आप कह सकते हो ओप्पो की वॉच आई थी वो भी पूरी प्रॉपर स्मार्ट वॉच कह सकते हो उसको, एप्पल की वॉच वो भी प्रॉपर पूरी स्मार्ट वॉच होती है। ये जो वॉचेस हैं ये पूरी प्रॉपर स्मार्ट वॉच नहीं कह सकते हैं, इनको फिटनेस बैंड से ऊपर हैं और स्मार्ट वॉच से नीचे आप इनको कह सकते हैं, ठीक है। तो यहां पे सबसे पहले अगर आप लेना चाहते हैं तो मैं रिकमेंड करूंगा आप सभी को कि अगर आपके रिस्ट थिन हैं, या मतलब अगर आप इनिशियल बेसिस पे कोई वॉच को एक्सपीरियंस करना चाहते हैं, तो मैं रिकमेंड करूंगा आप सभी को बहुत ही कम प्राइस ब्रैकेट में अभी एम्ब्रेन की वाइज ग्लेजियस। इसमें आपको डिस्प्ले 1.7 इंचेस का मिलता है और ये आपकी ऐसा नहीं है कि काफ़ी बड़ी डिस्प्ले वाली वॉच है, ऐसा भी नहीं है काफ़ी छोटी डिस्प्ले वाली वॉच है, यहाँ पे मीडियम साइज़ का आपको डिस्प्ले मिलता है। 1.7 इंचेस मैं मीडियम ही कहूँगा यहाँ पे, क्योंकि आजकल कॉमन हो गया है हर एक वॉच में, और ये आपके लास्ट टू मीडियम टू थिन तीनों रिस्ट पे चल जाती है, बट स्किनी रिस्ट के लिए नहीं बनी हुई है। बहुत सारे लोग से पूछने कि इसमें हम चेन वाला स्ट्रैप लगा सकते हैं, लगा सकते हो गाइस, कोई दिक्कत नहीं है, बट अगेन गाइस पॉलीकार्बोनेट के ऊपर सिलिकॉन वाला ज्यादा अच्छा लगता है। उसी के साथ साथ 1000 निट्स की ब्राइटनेस मिल जाती है, गेन्स कैलकुलेटर, वॉइस असिस्टेंट, पासवर्ड प्रोटेक्शन का ऑप्शन, सब कुछ मिल जाता है। जो मतलब एक्सपीरियंस करना चाहते हैं ना वॉच को, तो डेफिनेटली इस वॉच को ग्रैब कर सकते हैं, और ये एज लो एज 1500 रुपए के प्राइस ब्रैकेट में भी देखने को मिलती है। यस, अभी रक्षाबंधन आ रहा है, मेरे ख्याल से और कम प्राइस में आपको देखने को मिलेगी। और गाइस रक्षाबंधन आ रहा है तो हमारे चैनल पे डील वाली वीडियो तो आनी चाहिए, तो आएगी बहुत ही जल्दी, ठीक है, ऑलरेडी प्रोसेस में है, आपको मिल जाएगी रक्षाबंधन के अवसर पे आपको कौन सी वॉच गिफ्ट करनी चाहिए, ठीक है। तो गाइस इसको मैं रिकमेंड करूंगा, इसको आप नंबर 1 पे रख सकते हो, एम्ब्रेन की वाइज ग्लेज, ठीक है। और अगर आपके रिस्ट ज़्यादा थिन है तो मैं रिकमेंड करूंगा यहाँ पे एक वॉच और है, सेम यूआई के साथ आती है, ये है फिटशॉट की क्रिस्टल। यस, इसमें रोटेटेबल क्राउन भी देखने को मिल जाता है, ये आपको अराउंड 2000 रुपए के प्राइस ब्रैकेट में देखने को मिलती है, और एज लो एज 1899 तक की मिल जाती है, मतलब 1900 रुपए के प्राइस ब्रैकेट में देखने को मिल जाती है। चेन वाला स्ट्रैप अभी नहीं मिलेगा आपको, आउट ऑफ स्टॉक ही चलता रहता है, ये लिमिटेड टाइम के लिए था। बट एक वर्क अराउंड आपको बताता हूँ, अगर आप सिलिकॉन वाला स्ट्रैप लेते हो इसका, चेन वाला स्ट्रैप आप अलग से ही बाय कर सकते हो चाहो तो, ठीक है, मैं लिंक दे दूंगा चेन वाले स्ट्रैप की। तो गाइस जो इनिशियल बेसिस पे बाय करना चाहते हैं वॉच को, वो डेफिनेटली इन दोनों वॉचेस को चूज आउट कर सकते हैं, चेकआउट कर सकते हैं, क्योंकि 1.7 इंचेस की डिस्प्ले वाली वॉच जो होती है वो यहाँ पे कंफर्टेबल रहती है हर एक रिस्ट साइज के लिए, खासकर क्योंकि मैक्सिमम लोगों के रिस्ट साइज जो होते हैं मीडियम रहते हैं, तो 1.7 इंचेस की डिस्प्ले में काफ़ी चीज़ें यहाँ पे विजिबल हो जाती हैं और यहाँ पे एक्सपीरियंस आपको बेटर मिलता है देखने के लिए, और यहाँ पे स्मूथनेस भी ठीक ठाक मिल जाती है, अच्छी मिलती है बेसिकली, ठीक है। तो गाइस मैं रिकमेंड करता हूं इन दोनों वॉचेस में से आप चूज कर सकते हैं, अगर आप इनिशियल बेसिस पे कोई वॉच चूज करना चाहते हैं, बेस्ट वैल्यू आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को मिल जाएगी। अब गाइस हम थोड़ा सा आगे बढ़े यहां पे, तो जैसे कि जो वुमेन्स है वो लेना चाहती हैं किसी वॉच को, तो यहां पे मैं रिकमेंड करूंगा यहां पे अगर आप इनिशियल बेसिस पे वॉच को बाय करना चाहते हैं, तो यहां पे आप इस तरीके की 1.2 इंचेस की डिस्प्ले या 1.1 इंचेस की डिस्प्ले, 1.09 इंचेस की डिस्प्ले वाली वॉच ले सकते हैं, और काफी बेटर रहती है, ठीक है, इनिशियल बेसिस पे। और वुमेन को कॉलिंग वॉलिंग तो ज्यादा रिक्वायर्ड होता नहीं है मेरे ख्याल से,
वो उतना ध्यान नहीं देती हैं, तो मैं रिकमेंड करूँगा आप फिटनेस वॉच ही लें। फिटनेस वॉच थोड़ी सी सस्ती भी आती है। फिटनेस वॉचेज में फायरबोल्ट की वर्गो आती है, फायरबोल्ट की डॉन आ जाती है, ठीक है, एमराल्ड आ जाती है। एमराल्ड का जो प्राइसिंग है बहुत ही ज़्यादा है, मैं रिकमेंड नहीं करूँगा एमराल्ड के लिए जाने के लिए। आपको 6000 रुपये बहुत ही ज़्यादा है, अराउंड आपको अगर 3000 तक की प्राइस ब्रैकेट मिल जाती तो काफ़ी अच्छी डील बन जाती है, ठीक है। वैसे लुक और फील भी बहुत ज़्यादा प्रीमियम है इस वॉच का, ठीक है। और ये लास्ट मीडियम टू थिन टू स्किनी सारे रिस्ट के लिए काफ़ी परफेक्ट करती है। एमराल्ड से बेटर आपको पता है कौन सी मिल जाएगी, फायरबोल्ट की एक बहुत ही अच्छी है, फायरबोल्ट की एलियोर, यस, वो अवेलेबल है ऑन अमेजॉन। मैं बेस्ट वैल्यू आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को दे दूंगा, बेसिकली आप जाके चेकआउट कर सकते हैं, ठीक है। इनिशियल बेसिस पे वुमेन के लिए मैं रिकमेंड करूंगा इस वॉच को, जा सकते हैं। और गाइस अगर कॉलिंग वॉच चाहिए आपको, आपने मन बने लिया मेरे को कॉलिंग वॉच चाहिए, तो आप यहाँ पे नॉइस की वॉच के लिए जा सकते हैं। नॉइस की कलरफिट आइकन 2 विस्टा काफ़ी अच्छी वॉच है, 1.78 इंच इसके डिस्प्ले के साथ आती है। विजिबिलिटी काफ़ी बेटर रहती है क्योंकि यहाँ पे आपको सारी की सारी चीज़ें मिल जाती हैं इस वॉच में, गेम्स, कैलकुलेटर, वॉइस असिस्टेंट सब कुछ देखने को मिल जाता है इसमें। और इसी के साथ साथ यहाँ पे देख सकते हो यहाँ पे स्मूथ भी है, बट उतना ज़्यादा स्मूथ नहीं जितना मैंने इससे पहले आपको फिटशॉट की क्रिस्टल और एम्ब्रेन की वाइज ग्लेज बताई थी। बट 1.78 इंच इसकी डिस्प्ले है तो यहाँ पे परफेक्ट साइज एक बन जाता है बेसिकली, ठीक है। तो इस वॉच के लिए जा सकती हैं आप, और या तो इस वॉच के लिए जा सकते हैं फायरबोल्ट की एलियोर बेसिकली, ठीक है। अब गाइज देखो, मैं ये नहीं कह रहा कि मतलब 1.7 इंचेस की ही डिस्प्ले लें वाली वॉचेस लें। देखो होता क्या है कि 1.7 इंचेस की डिस्प्ले वाली वॉचेस भी काफ़ी बड़ी हो जाती हैं, जैसे कि ये डिजो की वॉच है। तो गाइज इसमें डायल साइज बड़ा है बेसिकली, तो डायल साइज बड़ा चूज ना करें, क्योंकि डायल साइज बड़े से फायदा क्या है। अगर इसी डायल में अगर मैं आपको दिखाऊं यहां पे एम्ब्रेन की वाइज ग्लेज, देखो कितना छोटा इसका डायल साइज है, ठीक है, ये काफ़ी बड़ा लग रहा है इसके सामने, तो ये काफ़ी सही है एज कम्पेयर टू दिस वन डेफिनेटली। और अगर आप इनिशियल बेसिस से बाय करना चाहते हैं एम्ब्रेन की वाइज ग्लेज या फिटशॉट की क्रिस्टल ज़्यादा बेटर रहेगी रेदर देन दिस वन। आई नो यहाँ पे स्टेनलेस स्टील का पूरा फ्रेम मिल जाता है और डिजो वॉच डी टॉक है बेसिकली ये, ठीक है, तो ये भी ठीक है। बट अगेन गाइज इनिशियल बेसिस पे बाय करने के लिए मैं रिकमेंड करूँगा 1.7 इंच की डिस्प्ले वाली वॉचेस लें। इवन दो स्लीक वॉच हमारे पास एक और है, ये है अल्ट की गोट, ठीक है, ये भी काफ़ी अच्छी वॉच है, स्लीक वॉच है, ये भी लास्ट टू मीडियम टू थिन रिस्ट के लिए काफ़ी अच्छी है। और मेरे ख्याल से ये स्किनी रिस्ट पे, आई थिंक वन सेकंड मैं दिखाता हूँ आपको, स्किनी रिस्ट पे नहीं चल पाएगी, वैसे साइज तो इतना ही लग रहा है, बट थोड़ी सी स्लीक है ये वॉच, ठीक है, इसके लिए भी आप जा सकते हैं, काफ़ी ये कमाल की लगती है, देख सकते हो इस तरीके से, और वन ऑफ द बेस्ट वॉच मैं कहूँगा यहाँ पे। बट यहाँ पे रेस्ट टू वेक ऑलवेज ऑन डिस्प्ले के साथ काम नहीं करता, एमोलेड डिस्प्ले है, अंडर 2000 रुपीज़ के प्राइस ब्रैकेट में देखने को मिलती है, और 1.78 इंच की डिस्प्ले है, तो ये भी है कि मतलब ये परफेक्ट साइज बैठ जाता है आपके लिए, ठीक है। और इनिशियल बेसिस पे अगर आप लेने का सोच रहे हैं, मैं सबको रिकमेंड करूँगा 1.78 इंच की डिस्प्ले वाली वॉच लें, खासकर स्क्वायर डायल अगर आप साइज ले रहे हैं तो, ठीक है, तो 1.78 इंच की वॉचेस काफी बेटर रहती हैं। अब यहाँ पे बहुत सारे लोग पूछेंगे मेरे से स्क्वायर डायल में हम कौन सी कितनी डिस्प्ले वाली वॉच लें जो ज़्यादा बेटर रहेगी, मतलब कितने इंच की डिस्प्ले वाली वॉच। तो गाइस यहाँ पे एक नॉइस की वॉच है मेरे पास, यहाँ पे है 1.3 इंच की डिस्प्ले है, तो यहाँ पे देख सकते हो 1.3 इंचेस की जो वॉच होती है ये भी आपकी एक कह सकते हो परफेक्ट फिट रहती है, मीडियम लार्ज थिन तीनों रिस्ट पे अच्छी लगती है, और स्किनी रिस्ट पे मैं रिकमेंड नहीं करता बिल्कुल भी, ठीक है। तो 1.3 इंचेस की डिस्प्ले वाली वॉचेस में क्या होता है कि प्रॉपरली विजिबल रहता है सारी चीज़ें, और स्क्रीन टू बॉडी रेशियो भी ठीक रहता है। ब्लैक बॉर्डर डेफिनेटली आपको देखने को मिलता है चारों तरफ, बट अगेन गाइज 1.3 इंचेस की परफेक्ट साइज रहती है अगर आप इनिशियल बेसिस पे बाय करना चाह रहे हैं। और गाइज और अगर आपको थोड़ा सा बेटर फीचर चाहिए, मतलब थोड़ा सा मतलब कह सकते हो थोड़ी सी बड़ी डिस्प्ले चाहिए उससे, तो 1.43 इंचेस की डिस्प्ले वाली वॉचेस आप चूज़ कर सकते हैं। राउंड डायल में तो मैंने एक ही रखी है यहाँ पे, 1.43 इंचेस की वेगा भी आती है आपको, और अदर ब्रांड्स में भी आती है 1.43 इंचेस की डिस्प्ले वाली वॉच। इसमें भी आपको ब्लैक बॉर्डर देखने को मिलता है, बट अगेन गाइज ये उन सब लोगों के लिए है जो मतलब चाहते हैं कि थोड़ी सी बड़ी डिस्प्ले हो, राउंड डायल में हो, और उनके रिस्ट लास्ट मीडियम होने चाहिए, थिन रिस्ट पे अच्छी नहीं लगती वॉच बिल्कुल भी, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा आप सब, ठीक है, क्योंकि डिस्प्ले साइज बड़ा हो जाता है ना 1.43 इंचेस का। और यहाँ पे फायरबोल्ट की काफी अच्छी वॉच आती है, ये है फायरबोल्ट की फिनिक्स एमोलेड, ठीक है, 2200 रुपए के प्राइस ब्रैकेट मिल रही थी, अभी 2500 रुपए इसका प्राइस हो चुका है, 2500 में भी वैल्यू फॉर मनी बन जाती है, बट अगेन गाइस थोड़ा सा कम प्राइस में आपको मिल जाए तो और भी सोने पे सुहागा हो जाएगा, ठीक है। तो गाइस राउंड डायल में मैं रिकमेंड करूंगा अगर आप इनिशियल बेसिस से बाय करें तो 1.3 इंचेस की डिस्प्ले वाली वॉच लें, ठीक है। और अगर आपके रिस्ट बहुत ज़्यादा स्किनी हैं तो कोशिश करें कि 1.2 इंचेस की डिस्प्ले, 1.28 इंचेस की डिस्प्ले, नॉइस की प्ले भी है एक वॉच, हाँ नॉइस की एक प्ले करके है वॉच, वो आप चूज़ कर सकते हैं, ठीक है। और अगर आपको बड़ी डिस्प्ले चाहिए लास्ट मीडियम टू मीडियम इसके लिए चले जाए तो यहाँ पे फिनिक्स एमोलेड काफ़ी अच्छी वॉच बन जाती है, या बीट एक्सपी वेगा भी आप चूज़ कर सकते हैं। अब गाइस यहाँ पे आ जाते हैं थोड़ा सा और मतलब गंभीरता से बात करते हैं यहाँ पे, और बड़ी डिस्प्ले वाली वॉच चाहिए तो 1.83 इंचेस की डिस्प्ले वाली वॉच ले सकते हैं आप, ठीक है, ये इसमें भी आपको काफ़ी मतलब एक्सपीरियंस बेटर मिलता है, यहाँ पे और बड़ा साइज़ मिलता है, स्क्रीन टू बॉडी रेशियो बेटर हो जाता है, और एक्सपीरियंस आपको थोड़ा सा और बेटर आता है। ये उन सब लोगों के लिए जो चाह रहे हैं कि मतलब मेरे को बड़ी डिस्प्ले वाली वॉच ही चाहिए, ठीक है, तो वो सब लोग इसके लिए जा सकते हैं। और खासकर वो कौन से लोग होते हैं, वो ऑफिशियल लोग होते हैं, मतलब जो ऑफिस जाते हैं उनके लिए खासकर काफ़ी बेटर रहती है, क्योंकि उनके रिस्ट साइज जो होते हैं थोड़े से बड़े होते हैं, ठीक है, एज़ कम्पेयर टू
यंगस्टर्स जो 20-22 साल के होते हैं उनसे ज़्यादा बड़े रिस्ट साइज होते हैं, तो उनके लिए मैं रिकमेंड करूँगा 1.83 इंचेस की डिस्प्ले वाली वॉच, या अगर आपको थोड़ा सा आप स्ट्रेच कर सकते हो तो 1.96 इंचेस वाली डिस्प्ले वाली वॉच भी आ सकती है आपकी, ठीक है। तो यहाँ पे हल्का सा डिफरेंस ही देखने को मिलेगा, यहाँ पे हमें इस फिट की पॉप 3S है बेसिकली, ये राउंड मतलब थोड़ा सा ये कर्वी डिज़ाइन में मिलती है, तो ये भी अच्छी वॉच हो जाती है 1.96 इंच की डिस्प्ले वाली वॉच। बट ये ध्यान रखिएगा ये दोनों ही रिस्ट साइज जो होते हैं, मतलब 1.83 या 1.96, ये लास्ट टू मीडियम रिस्ट के लिए ही वॉचेज़ हैं, थिन रिस्ट के लिए बिल्कुल भी नहीं बनी हुई है वॉच, मत लेना गलती से भी, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा आप सब। और यहाँ पे एक वॉच और भी है 1.96 इंच की डिस्प्ले वाली वॉच, ये है बोट की वॉच, बोट की क्या नाम है इसका, नाम याद नहीं आ रहा यहाँ पे, हाँ अल्टीमा क्रोनोस, तो ये भी 1.96 इंच की डिस्प्ले वाली वॉच है, इसको भी आप चूज़ कर सकते हैं अगर आपके रिस्ट लास्ट टू मीडियम है। और 1.96 इंच की डिस्प्ले में यही है कि मतलब और ज़्यादा स्क्रीन टू बॉडी रेशियो बेटर मिल जाता है, और उन सबको ये वॉच पसंद आ सकती है जिनको लार्ज डिस्प्ले वाली वॉच चाहिए और गाइस सिमेट्रिकल बेजल्स टाइप के चाहिए, तो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा सिमेट्रिकल बेजल्स मिलते हैं आपको 1.96 इंच की डिस्प्ले वाली वॉचेस में, ठीक है, एज कम्पेयर टू 1.83 इंच की डिस्प्ले वाली वॉचेस में। यहाँ पे आपको नीचे की साइड चेन आपको मोटी मिल जाती है, तो ये भी एक चीज़ ध्यान में रखने वाली है, एक पॉइंट ध्यान रख लीजिए आप कि 1.96 इंच की डिस्प्ले वाली वॉच लेंगे तो उसमें आपको सिमेट्रिकल बेजल्स मिलेंगे, ज्यादा बेटर मिलेंगे, ठीक है, चारों तरफ से, तो वो स्क्रीन टू बॉडी रेशियो और बेटर कर देता है, एक्सपीरियंस बेटर कर देता है। चार पांच वॉचेस बची हैं, अब ये वॉच आ जाती हैं जो लार्ज रिस्ट के लिए लेना चाहते हैं, उनको फर्क नहीं पड़ता उनको थिन रिस्ट के लिए नहीं चाहिए, उनको एकदम लार्ज रिस्ट के लिए चाहिए, तो यहां पे 2 इंच की डिस्प्ले वाली वॉच आती है, यहां पे बोल्ट की वॉच है, यहां पे फायरबोल्ट की वॉच है, जो मतलब चाहते हैं काफी बड़ी वॉच तो वो इनके लिए जा सकते हैं। बट अगेन ध्यान रखना गाइस, यहां पे आपको चेन मोटी मिलती है, चाहे आप फायरबोल्ट की ग्लैडिएटर लो चाहे आप बोल्ट की ये जो क्राउन एक्स ले लो, क्योंकि नीचे की साइड चेन मोटी मिलती है। मैंने आपको बताया ना एक ही रिस्ट साइज, एक ही मतलब डिस्प्ले साइज है जिसमें आपको सिमेट्रिकल बेजल्स मिलते हैं, जो है वो आपको 1.96 इंचेस वाली वॉच। बट अगेन गाइस इन सब में जो होता है मतलब नीचे की साइड जो चेन होती है वो बड़ी मिलती है बेसिकली, इसमें शायद बैटरी नहीं है तो नीचे की साइड चेन आपको बड़ी मिलती है इसमें, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। और ये उनके लिए बेटर है जो मतलब लार्ज रिस्ट हैं जिनके, और काफ़ी ज़्यादा लार्ज रिस्ट साइज़ के हैं जिनके रिस्ट 7.5 इंचेस से लेके 8.5 इंचेस की डिस्प्ले, मतलब 8.5 इंचेस के रिस्ट हैं उनके। तो मैं आपको रिस्ट साइज़ मेज़र करना दिखाता हूँ, बताता हूँ। देखो मेरा रिस्ट साइज़ जो 6.5 इंचेस से लेके 6.6 या 6.7 इंचेस का है, ठीक है, मीडियम है मेरा। और थिन रिस्ट वाले क्या कर सकते हैं, 5.5 इंचेस का रिस्ट होता है थिन रिस्ट बेसिकली, स्किनी रिस्ट 4.5 इंचेस का होता है, और सबसे ज़्यादा जो लार्ज रिस्ट होता है वो होता है 8.5, एकदम मैक्स 8.5 इंचेस, बहुत ज़्यादा मोटा होता है, के बहुत मोटे हाथ हैं वो डेफिनेटली बड़ी बड़ी वॉचेस को ले सकते हैं, मतलब बड़ी डिस्प्ले वाली वॉच। अब यहां पे राउंड डायल में आती है जिसको बड़ी डिस्प्ले वाली वॉच चाहिए, जो लार्ज रिस्ट के लिए लेना चाहते हैं, तो 1.45 इंचेस की डिस्प्ले आती है यहां पे इसकी, ये है आपकी BXP वेगा एक्स भी कह सकते हो या अल्ट की स्पंक भी कह सकते हो। देखो यहाँ पे मीडियम इस पे काफ़ी बड़ी लग रही है ना, और गैस ऑब्वियसली बात है जितनी बड़ी डिस्प्ले साइज होगा उतना ज़्यादा आपको स्क्रीन टू बॉडी रेशियो मिलेगा, उतना ज़्यादा आपको एक्सपीरियंस बेटर मिलने वाला है। तो गैस यहाँ पे फायरबोल्ट की 1.6 इंचेस वाली डिस्प्ले वाली वॉच है साइक्लोन, तो ये भी आपके लार्ज इसके लिए काफ़ी बेटर रहती है। मीडियम इस पे देखो कितनी बड़ी लग रही है, ठीक है, तो लार्ज इसके लिए बनी हुई है ये वॉच भी, और ये वॉच वैसे मीडियम इस पे आ सकती है, मतलब ठीक लग सकती है। देखो यहाँ पे थोड़ी सी छोटी है, बट अगेन 1.6 इंचेस की डिस्प्ले वाली वॉच ऑब्वियसली बात है आपके लार्ज इसके लिए ही बनी हुई है बेसिकली, ठीक है। इसमें ये कि स्क्रीन टू बॉडी रेशियो बेटर मिल जाता है और आपका एक्सपीरियंस और बेटर आता है, और कहीं ना कहीं ये देखो ऐसा होना चाहिए आपके रिस्ट पे वॉच अच्छी भी लगे, एक्सपीरियंस भी अच्छा रहे और ज़्यादा ऑड ना लगे, वो होना चाहिए। यहाँ पे एक और वॉच आती है 2 इंचेस की डिस्प्ले वाली वॉच, ये है हमारी ये कॉपी है शायद उसकी एप्पल वॉच अल्ट्रा की, तो एप्पल वॉच अल्ट्रा की कॉपी है। यहाँ पे आपको 2 इंचेस की डिस्प्ले मिल जाती है और ये सिमेट्रिकल बेजल्स हैं, इवन दो इसमें भी आपको सिमेट्रिकल बेजल्स ही मिलते हैं, एप्पल वॉच सीरीज अल्ट्रा की कॉपी लगती हैं दोनों ही, ठीक है। तो गैस जिसको जिसके लार्जेस्ट हैं वो इस वॉच के लिए जा सकते हैं, ये भी लार्जेस्ट के लिए बनी हुई है, ठीक है, मीडियम के लिए नहीं है वैसे, और थिन रिस्ट वाले तो इन सब वॉचेस से खासकर जो मैंने लास्ट में बताई है इन सब से दूर ही रहें, ठीक है। मतलब कौन सी डिस्प्ले वाली वॉच, मैंने सब कुछ आपको बता दिया, इस वीडियो पे एक लाइक तो बनता है गाइज, हर एक पर्सन एक एक लाइक कर दीजिए, और गाइज इस तरीके की यूनिक वीडियोस यूनिक कॉन्सेप्ट वाली वीडियोस आप सबके लेके आता रहूँगा, ठीक है। कोशिश करें गाइज, मैं कंक्लूजन देता हूँ आप सभी को, कोशिश करें कि अगर आप इनिशियल बेसिस पे वॉच को एक्सपीरियंस करना चाहते हैं तो मैं रिकमेंड करूँगा 1.78 इंच की डिस्प्ले वाली वॉच लें स्क्वायर डायल में बेसिकली, और राउंड डायल में आप 1.3 इंच की डिस्प्ले वाली वॉच लें, काफ़ी बेटर एक्सपीरियंस आपका रहने वाला है, ठीक है। और लार्जेस्ट वाले अगेन 1.96 इंचेस की सिमेट्रिकल डिस्प्ले वाली वॉच लें जो ज़्यादा बेटर रहेगी, ठीक है। मैंने आपको बता दिया 1.96 इंचेस वाली चूज़ करना, ध्यान रखना आपका बहुत ही बेटर रहेगा एक्सपीरियंस, ठीक है। तो गाइज यही था एक सिंपल सा आप सभी के लिए एक्सक्लूसिव वीडियो टेकपोक एक्सक्लूसिव। अगर आपका क्वेरी इन सारी वॉचेस से रिलेटेड कुछ भी रहता है तो ज़रूर आप मेरे से कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो, कोई वॉच बाय करनी तो मेरे से इंस्टाग्राम पे आप कनेक्ट कर सकते हो डायरेक्टली और मैं रिप्लाई कर दूंगा, मैक्सिमम से मैक्सिमम कमेंट्स का मैं रिप्लाई करता ही हूँ, और गिव अवे आने वाला है सून, तो स्टिक रहेगा हमारे चैनल पर। मिलता हूँ आप सभी से अगली वीडियो में, टिल देन बाय बाय।